अगर गोरिया के जो इंडोनेशिया की फोटो वगैरह है, और यार पर्पल कलर में तो है नैनो लियो। तो गाइस ये है लीनिंग का ऑफिस सिंगापुर का। तो यार आप देख सकते हो कुछ इस तरह से आपको सारा सेटअप मिलेगा। और अगर आप इधर देखोगे ध्यान से यार, तो कुछ एस्थेटिक्स रखे गए हैं, कुछ अवार्ड्स लगाए गए हैं यहाँ पे, एक बड़ी सी शटल भी आप उधर देख सकते हो। बिल्कुल राइट साइड में देखोगे तो यार काफी ज्यादा प्लेयर्स के यहाँ पे आपको शूज देखने को मिल जाएंगे। अगर ये बात करूँ तो ये डैनियल के शूज़ हैं, ये जॉनथन क्रिस्टी के शूज़ हैं, ये भी जॉनथन क्रिस्टी के शूज़ हैं। अगर मैं इन शूज़ के बारे में बात करूँ ना, तो यार ये है ओलंपिक एडिशन शूज। मेरे को पता है आपसे रुका नहीं जा रहा, तड़प ही ऐसी है ना लेकिन अब ओलंपिक में ही देखना है यार इन्हें। तो अगर मैं इन शूज के बारे में बात करूँ ना, तो यार ये नॉर्मल वाले शूज मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। सो गाइस ये है जॉनथन क्रिस्टी के कस्टमाइज इनसोल्स जो शूज के साथ रखे हुए हैं। आप देख लो यार ऐसे कुछ दिखते हैं उनके शूज के इनसोल। तो ये शूज का नेम है ब्लास्ट एसी शूज। तो यार व्हाइट कलर में काफी अच्छे देखने को मिल रहे हैं, आप देख सकते हो। यार इस शूज का तो मैंने रिव्यू बना रखा है, जो मैंने मिस्ट्री बॉक्स अनबॉक्सिंग वाली वीडियो बनाई थी यार, उसमें मैंने अच्छे से दिखा रखा है, वहां पे जाके देख लो यार शूज कैसा दिखता है। रैकेट्स के बारे में बात करूं मैं, आप मुझे पता है आपकी नजर रैकेट्स पे ही है, तो यार ये भी दिखा देते हैं कौन से रैकेट है। तो यार ये है लियो के रैकेट है। तो यार वो यूज कर रहे हैं अभी 3D कैलिबर 600C। तो यार देखने में तो काफी अच्छे दिख रहे हैं। कम होंगे यार 8-10 रैकेट होंगे। तो ये देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ये वाले रैकेट बात करूं, ये तो एक्स फोर्स 100 मेरे को दिख रहे हैं, हाँ वही है। और ये किसके हैं, ये गिंटिंग के रैकेट है यार। अगर मैं इनकी बात करूं, ये भी बिल्कुल कस्टमाइज रैकेट है, मेरे पास भी एक। अगर मैं ये वाले रैकेट की बात करूं तो यार ये ब्लेड एक्स 700 रैकेट है यार, देखने में तो काफी जबरदस्त। ये रैकेट है ग्रेगोरिया के, जो इंडोनेशिया की वुमेन सिंगल्स की टॉप प्लेयर है, और जो उसकी वर्ल्ड रैंक है वो 9 है। तो यार काफी मतलब अच्छा रैकेट है यार ये भी। इसका भी रिव्यू आएगा यार जल्दी, मैं लाने की कोशिश करूंगा। अगर मैं ये किट बैग दिखाने की कोशिश करूं, तो यार ये ओलंपिक एडिशन है। आपको मैं दिखा बाद में दिखाता हूं, अभी नहीं, ओलंपिक में देख। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। और अगर गाइज आप राइट साइड में देखोगे तो यार यहाँ पे भी आपको काफी ज्यादा प्लेयर्स के शूज देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे श्रीकांत के शूज एक बार मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि श्रीकांत कौन से शूज यूज करते हैं। तो यार ये सेम यूज करते हैं जो मैं यूज करता हूँ। तो यार लिए है लीनिंग के ब्लेड प्रो शूज, तो इसका व्हाइट कलर वो यूज करता है। एक बार इंसोल भी चेक करके देखते हैं, क्या पता कस्टमाइज निकल जाए या फिर कुछ और अच्छा ज्यादा कुशन डलवा रखा हो इसने, वो भी देखते हैं यार। मेरे हिसाब से तो यार ये नॉर्मल वाले ब्लेड प्रो है, तो वही यूज कर रहा है वो, कुछ ज्यादा इसमें कस्टमाइजेशन नहीं करवाई हुई है। तो इसको रख देते हैं यार यहाँ पे। तो यहाँ पे पीवी सिंधु के शूज आपको देखने को मिलेंगे। यार ये काफी ज्यादा मतलब कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डब्बे शूज के लिए यार, 4 महीने में यार वो 8 पेयर शूज के ले लेते हैं। तो यार आप देख सकते हो यार, तो यार ये पीवी सिंधु के शूज है यार, ये ब्लास्ट एसी शूज है। इनका भी देख लेते हैं, क्या आप सोल कस्टमाइज हो, नॉर्मल है यार, पर यार काफी अच्छे शूज लगते हैं ये मेरे को। और यार थोड़ा सा आगे से देखोगे ना, थोड़ी सी फिटिंग थोड़ी सी ज्यादा टाइट सी है इनकी, जो यार 8 पेयर है यहाँ पे। और अगर मैं बात करूँ इधर गिंटिंग के शूज है, देख सकते हो आप ये। सो गाइस अगर आप इधर देखोगे तो ये सारा ऑफिस वर्क है जो यहाँ से होता है। और इधर भी एक रूम है, देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा सा सामान वगैरह रखा गया रिव्यू वगैरह के लिए, थोड़ा टेस्टिंग के लिए। और ये भी मेन ऑफिस हॉल है जहाँ पे काम वगैरह होता है, ईमेल वगैरह सारे भेजते वगैरह। ये कॉन्फ्रेंस रूम है यार, यहाँ पे मीटिंग वगैरह होती है। और अगर मैं इसके अंदर दिखाने की कोशिश करूँ आपको, तो यार यहाँ पे टी शर्ट पे काफ़ी ज़्यादा सिग्नेचर हो रखे हैं प्लेयर्स के, जो यार सिंगापुर के हैं मेजरली, आप फोटो में देख सकते हो। यहाँ पे लोकेन्यू भी है। तो यार बस फिलहाल तो यहाँ पे यही है। तो यार ऐसा कुछ कमाल धमाल तो नहीं है लेकिन, पर यार मैंने आपको रियलिटी दिखाने की कोशिश करी है। कुछ ऐसे फोटो वगैरह हैं जो इनकी पूरी टीम स्पॉन्सर होती है, उनके पूरे लगा रखी है। तो गाइस ये वाला रूम है डेवलपमेंट एरिया, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है यार, शूज की डेवलपमेंट यहाँ पे ही होती है। शूज का डेवलपमेंट होता है जो लॉन्च नहीं होते यार, पहले यहाँ पे टेस्टिंग वगैरह करते हैं कि क्या नाम होगा या फिर कैसा उसका डिजाइन होगा। तो यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे टेस्ट किया जाता है। और अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, तो यार ये न्यू मतलब बैकपैक्स हैं जो अभी तक इंडिया में नहीं आए हैं, जो लॉन्च होने वाला है। तो यार मेरे चैनल पे आपको ऐसा कुछ एक्सक्लूसिव देखने को जरूर मिलेगा। और अगर मैं बात करूँ तो यार ये वाला मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब लेदर टाइप का फिनिश इसमें दे रखा है, और यार पर्पल कलर में तो ज़बरदस्त लग रहा है। उसका सेम कलर आपको ब्लैक वाले में कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा, ब्लैक वाला, और एक ब्लू कलर भी है।
और ये भी कुछ ऐसा ट्रैक जैसे आप ट्रैकिंग पे जाते हो कुछ उस टाइप का बनाने की कोशिश की गई है। और यार ये भी काफ़ी अच्छा दिखने को मिल रहा है। तो यार ये कोई भी किटबैग लॉन्च नहीं हुआ है। और अगर मैं फुल किटबैग के बारे में बात करूँ तो ये वाइट कलर का है जो आप देख रहे हो, इस तरह का देखने को मिलेगा आपको जब लॉन्च होगा जब देखना। लेकिन आपने तो पहले ही देख लिया यार। चलो फिर अगर मैं आपको इधर इस ये वाला सेक्शन के बारे में बात करूं तो यार ये अपैरल्स का सेक्शन है। तो यार एक दो टी शर्ट मैं आपको दिखाता हूं। देखो यार कुछ इस तरह की यहां पे डिजाइन्स वगैरह हैं। ये अभी इंडिया में लॉन्च हो चुके हैं। थोड़ी बहुत जैकेट्स वगैरह आप देख सकते हो इधर से। और ये थोड़ा सा सिंगापुर ओपन की आप देख लो टी शर्ट्स वगैरह जो अभी सिंगापुर ओपन में भी थी। तो लीनिंग का सूट केस आपको इधर देखने को मिलेगा। मैंने यार पहली बार लीनिंग का कोई सूट केस भी बनाते हैं तो यार ये भी देख लिया मैंने आज। और अगर आप ये देखोगे तो यार रैकेट टेस्टिंग मशीन है, ये बताती है कि स्विंग वेट कितना है, मतलब कितना हैवी फील होने वाला है जब आप रैकेट को स्विंग करोगे। तो और अगर आप इस चीज़ के बारे में बात करोगे तो यार एक ग्रोमेट्स है जो आपके रैकेट्स पे लगते हैं, ऊपर पूरा ऐसे पैकेट में है, कलर आते हैं ब्लैक वगैरह जो इस पेटी में है। तो गाइस इस वाले रूम के बारे में बात करूँ तो यार इधर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रैकेट्स हैं। तो यार यहाँ पे जितने भी इंटरेस्टिंग रैकेट्स आप देख रहे हो यार ये मोस्ट ऑफ द यार अभी जिनकी डेवलपमेंट चल रही है वो इंडोनेशिया में लॉन्च होने वाले हैं। अभी आपको जो है अवेलेबल है वो मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। यह जी फोर्स 88900 प्लस एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग। तो यार ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिख रहा है रैकेट। तो यार इसका कलर थोड़ा डिफरेंट सा लग रहा है यार मेरे को, लेकिन जब मैं टेस्ट करके देखूंगा तो कुछ और फील होगी और स्पेसिफिकेशंस में अलग फील होती है। तो यार नीचे काफी ज्यादा मतलब इसके MRP 10,000 लिखी हुई है। देखते हैं आगे कितना क्या लॉन्च करते हैं ये। तो गाइस ये है एक्स फोर्स ब्लास्ट। यार ये वाली एक्स फोर्स सीरीज तो है इंडिया में, लेकिन ये ब्लास्ट वाला रैकेट मॉडल अभी इंडिया में नहीं आया, इसकी अभी डेवलपमेंट चल रही है। देखते हैं यार कैसा क्या कुछ रहता है ये रैकेट। मेनली तो हेड हैवी रहते हैं, लेकिन यार बस देखने में भी तो काफी ज्यादा सही लग रहा है। इसका प्राइस ज्यादा नहीं रहेगा, अराउंड 3,000 to 5,000 इस रेंज में। अब तक तो एक्स फोर्स सीरीज 5,000 से चालू होती है, तो उससे कम की रेंज का मुझे लग रहा है। बाकी देखते हैं क्या रहता है आगे। और कुछ इस तरह का आपको रैकेट्स देखने को मिलेंगे सारे इसमें फ्रेम में। और यहाँ पे स्ट्रिंग्स वगैरह भी लगा रखी है आप देख सकते हो। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं लीनिंग के मेन वेयर हाउस में। आप देख लो यार कुछ इस तरह का यहाँ पे सेटअप बनाया गया है। यार काफी ज्यादा कार्टन आपको देखने को मिलेंगे इसमें, सॉक्स किट बैग रैकेट सारे सामान यहाँ पे मिल जाएगा आपको। तो बस यार फिलहाल की वीडियो के लिए इतना ही। अगर चैनल पे नए हो तो यार सब्सक्राइब कर लेना और यार इंस्टाग्राम पे भी मेरे को फॉलो कर लो। यहाँ पे देख रहे हो ये मेरी प्रोफाइल है, नीचे लिंक भी दे दिया मैंने डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके फॉलो कर लो यार, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा न्यू अपडेट्स वगैरह मैं डालता रहता हूँ यूट्यूब के रिगार्डिंग। और जो भी आपकी क्वेरीज वगैरह होती है वो डायरेक्ट मेरे से DM से पूछ सकते हो, तो यार फॉलो ज़रूर कर लेना। और अगर आपको कुछ और सुझाव देना है कॉमेंट्स में कि नेक्स्ट वीडियो कौन सी होने वाली है तो यार वो भी बता दो। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।